ठीक कठुआ जिला में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था वहाँ हीरानगर सेक्टर में, उसकी वजह से मेरा प्रवास नहीं हो पाया। मैंने 3-4 बार कोशिश भी की, लेकिन वहाँ के जो हमारे जिला के अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के, उन्होंने हर बार ये कहा कि हालात ठीक नहीं है, इस टाइम प्रवास करना या कोई भी कार्यक्रम करना वहाँ पर ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे कुछ अपने मंडल के कार्यकर्ता उसमें जो वो प्रोटेस्ट था उसमें वो इन्वॉल्व भी थे। उसके इससे पहले मैंने 2.5 साल का अपना जो काम था वो डोडा जिला में एज ए प्रभारी काम, यहाँ आए, हमारा स्वच्छ भारत अभियान का प्रोग्राम काफ़ी बढ़िया रहा, और अभी हमारे यहाँ इलेक्शंस आने वाले हैं, तो जो यूथ्स हैं सर हमारे साथ, हमारी जो ज़िला की टीम है तकरीबन 20-25 लड़कों की टीम है, तो हमारे यहाँ एक चीज़ है सर, काफ़ी दूर दूर गाँव हैं, एक ही मतलब तकरीबन 7-10-25 किलोमीटर, तो जो हमारी टीम के लड़के हैं वो टाइम टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं, तो जो यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता हैं वो जो भी हमें काम दिया जाता है चाहे सेंटर से कोई भी काम आए, जो हमारी पार्टी का हमारे लिए होता है हम वो करते आ रहे हैं, और उम्मीद है सर कि हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। और मैं अपना नाम चुलबुल पांडे रखा है, तो सर उसने क्या किया सर, उसने मेरी PSU भी मेरी गाड़ी में थी, तो उसने मेरी गाड़ी को ही बंद कर दिया सर, वो थाने में लेके गई सर। तो मैं अपनी सम्मानित मंच से ये कहना चाहता हूँ, खासकर अपने श्री अशोक गोल जी से और अपने BGM स्टेट प्रेजिडेंट से और अपने प्रभारी और रोहित जी से कि इस पे जरा गौर करें सर, क्योंकि जब हम सेफ नहीं है तो कोई सेफ नहीं है सर, क्योंकि हम कश्मीर में अपना BJP का झंडा अपना तिरंगा ऊंचा करना चाहते हैं, वहां से आ गई सर। ठीक है, मैं अपने बिलाल साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट 10 का हम पूरा मंडल का टीम बने हैं, तो 2 का भी हम प्रेसिडेंट अभी बनने वाले हैं, मगर टीम बने हैं, और 2 मंडल है जो हमारे ससपोल और खर्चे का, उनका अभी तक हमने मतलब वो लीव बने हैं, तो उसके बाद तो विजय हुए जो जब से हमारे बजपे का जो सरकार आया स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में, इसके बदले में काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो मैं यही चाहता हूँ कि आने वाले जो टाइम है 2019 की जो हमारा इलेक्शन है उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये करना है कि मेरे सबसे पहले तो मैं 2 अगस्त को मेरा जिला अध्यक्ष का मेरा जो सौंपा था, तो 2 साल अभी तकरीबन होने वाला है अगस्त में, तो मैंने तो सबसे पहले हमारे नहीं कि हमने हर जगह पे जाकर थोड़ा सा अवेयरनेस करना बहुत जरूरी समझता हूँ, ताकि हमारे साथ जितने भी युवा आने वाले इलेक्शन में तो ज्यादातर युवा का ही मतलब ज्यादातर मेन रोल रहते हैं, तो इसलिए युवा जितना भी हो सके जितना हमारा जो विशेषताएं हैं संगठन करने वाले की जो विशेषताएं हैं वो अपने अगर उसके अहम में ही वो जूझ रहा अपने ही उसमें जूझ रहा है तो संगठन नहीं करेगा, वो संगठन के जगह विघटन करेगा, संगठन नहीं कर सकता। इसलिए हम सब लोग जो बैठे हैं हम सब लोग संगठन करने वाले, इसलिए मैंने एक बार आपसे पूछा था कि हमारे पास ऐसे कार्यकर्ता कितने हैं। हमारे यहाँ तो ये कहा गया कि भाई जो दायित्व तो आपको मिला है उस दायित्व को मिलने के बाद आपको ये भी देखना है कि भाई मैं उस दायित्व का निर्वाह कर रहा हूं लेकिन मेरे बाद भी उस दायित्व को संभालने वाला मैं खड़ा कर रहा हूं कि नहीं खड़ा कर रहा हूं। मैं स्टेट का प्रेसिडेंट हूं, मैं डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूं, मैं संगठन मंत्री हूं, क्या मैं अपना जैसा अपने से भी अच्छा उसको आगे ला रहा हूं, कहीं उसको रोक तो नहीं रहा। हमारा युवा मोर्चा का बैठक यहाँ पे जो कारगिल की हमारी टीम है उन्होंने यहाँ इसका व्यवस्था की है, और हमारी सारी टीम जम्मू कश्मीर की जो युवा मोर्चा की है सभी यहाँ पे आए हुए हैं, और 2 दिन हम यहीं पे रहेंगे। इस पे जो भी युवा मोर्चा ने पिछले 3 वर्षों में जो किया है और आने वाले 3 वर्षों में युवा मोर्चा क्या करेगा इन सब पे यहाँ पे चर्चा होगी, और 2019 का चुनाव जो निकट है उसके बारे में भी चर्चा होगी, और कारगिल में जो काउंसिल का चुनाव है अब उसका बिगुल तो बज चुका है, आप सभी को ज्ञात होगा, और आपके माध्यम से मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा और कारगिल के युवाओं से भी अपील करना चाहूंगा कि इन चुनावों में वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करें, एक राष्ट्रवादी सोच की जो पार्टी है
उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आ गया है और देखा होगा शिलान्यास हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया और आपका जो एक एयरपोर्ट को अपग्रेड करने का आपका जो मसला था उसको भी उन्होंने टेकअप किया है, वो भी निकट भविष्य में जल्द इसको हम पूरा करेंगे। और अभी रिसेंटली 5-7 दिन पहले ही हमारे जो एमपीज और एमएलसी ने जो सभी थे उन्होंने सम्मिलित तौर पर 1,30,00,000 का पैकेज जो आपके कारगिल को दिया है, जो विभिन्न जो कार्य रहेंगे उनमें उसको खर्च किया जाएगा और युवाओं के लिए जो आपके स्टेडियम के अपग्रेडेशन में वो काम आएगा जिससे युवा को खेल की तरफ उनको बढ़ावा मिलेगा, फिट रहेंगे, ऐसी बुनियाद को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे और उनसे वोट मांगेंगे। विकास जी, अभी आप बिल्कुल बीजेपी का स्टेट का प्रेसिडेंट बना है, आप करगिल खासकर हमारे करगिल को जैसे ले में तो आपको पता है वहाँ पे जो कौंसल भी है वो बीजेपी का है, एमपी भी है, तो करगिल में आप लोगों का क्या कदम रहेगा करगिल को आगे विकास के लिए, करगिल को आगे लेने के लिए? देखिए, इसके पहले भी मैं करगिल में आ चुका हूँ, 2 वर्ष पहले भी यहाँ पे आया था और हमने गांव तक जैसे सूद तो मेल जैसा इलाका है वहां पे भी हम गए थे और आज बीइंग ए स्टेट प्रेजिडेंट आज फिर यहाँ पे हम आए हैं। तो करगिल के युवाओं को यही कहेंगे कि इस सोच के साथ जुड़िए, हम लोगों के साथ आइए, हमसे बात कीजिए, आपस में एक दूसरे के जो हमारे थॉट्स हैं उनको आपस में साझा करेंगे, मिलजुल कर बात करेंगे, उनके लिए क्या अच्छा होगा उनकी बात सुनेंगे, हम उनके लिए क्या सोचते हैं वो उनको बताएंगे और जब आपस में मिल बैठते हैं तो दोस्ती बढ़ती है और इसी दोस्ती का पैगाम लेकर हम यहाँ पे आए हैं।